आज के ऑनलाइन क्लास में हम आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स 3x3 आर्डर की सिखाएंगे। पिछले वीडियो में हम 2x2 आर्डर की सिखाए थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स को फैक्टर बनाना। आज हम 3x3 की सिखाएंगे। तो इसके लिए प्यारे स्टूडेंट ध्यान दें, हम एक 3x3 आर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स बराबर 1, 2, -1, 3, 4, 5, 1, 6, 2 3x3 आर्डर। इसका एडजॉइंट बनाना है तो पहले तो प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर बताना है। कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही एडजॉइंट हो जाता है। फिर इसी का एक हम शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना, 2x2 में सीखे हो इसका भी सीख लो, रहेगा वही नियम। तो जैसे एक फार्मूला मैं लिखा था उसमें, यहाँ भी काम देगा हर जगह, Cij इज इक्वल टू -1 to the power i + j इंटू ए आई जे, जहाँ आई व जे जो होगा 1, 2, 3 तक जाएगा, क्योंकि 3x3 है तो 1, 2, 3 तक रहेगा एलिमेंट उसके, और ए आई जे उसी के एलिमेंट हो गए। अब इसमें जैसे सब निकालें, जितने एलिमेंट होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे, 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर हो जाएंगे। सबसे पहले पहला ये बताना है, तो C11 इज इक्वल, उसके सामने के रो को और सामने के कॉलम को कैंसिल किया जाता है। अब कैंसिल करने बाद जो बचता है उसमें, अब जो बचेगा वो 2x2 क्रम का बच रहा है, उसमें मुख्य विकर्ण का गुणा करके सेकेंडरी विकर्ण का गुणा करके आपस में घटा दिया जाता है। तो कितना, 4 × 2 = 8, 6×5 = 30, 6×5 = 30 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ जो साइन लगता है वो मैं बताया था कि अगर दोनों का सम जोड़ सम हो, ध्यान, पॉजिटिव सम क्या हो, पूर्णांक हो, बोलते हैं इवन नंबर हो, सम संख्या में हो तो धनात्मक आएगा, और दोनों का जोड़ अगर विषम संख्या आवे तो गुणांक में यहाँ ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ जोड़ सम है इसलिए धनात्मक आएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, -22, ठीक। इसी प्रकार से C12 निकालेंगे, C12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो हुआ और दूसरा कॉलम हुआ, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बच रहे हैं, तो इनका गुणा करेंगे 3 × 2 = 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 का 9 = 5 रहेगा। और यहाँ जो गुणांक का चिन्ह होगा, जैसा मैंने बताया कि 2, 1, 3 विषम होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे कर दिया। अब इसको हल करेंगे, 6 में से 5 गए 1 और माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा। और यही चीज़ आप यहाँ रख के देख सकते हैं, आई यहाँ 1 का काम करेगा, जे यहाँ 2 काम करेगा, तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, तो -1 = 3, 3 में विषम हो जाएगा। और यहाँ ए आई जे यानी C12 ये इसके सामने के कॉलम सामने करो कैसे, वही हुआ। फिर इसी प्रकार से अब करते C13, अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, 9 बार आपको करना पड़ेगा C13। तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो हुआ और तीसरा ये कॉलम हुआ, ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो मुख्य विकर्ण में सेकेंडरी विकर्ण को घटा के रखा जाता है, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, इसका गुणा से करेंगे और 4 × 9 = 4 हो जाएगा। और रही बात साइन की, दोनों का जोड़ सम आ रहा है इसलिए धन ही होगा, तो 18 में से 4 घट गए, ये हो जाए 14 × 4 = 18 हो जाएगा, ठीक। फिर C12 हो गए, 13 हो गए, अब C2 में आएंगे, दूसरा रो पहले के सब हो गया, अब दूसरा रो पहला कॉलम C21, दूसरा रो ये, अब पहला कॉलम ये, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, अच्छा 1 − 6, अब बीच में माइनस होता है तो +6 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि 6 × 1 = 6 - 6 ऑलरेडी बीच में होता भी है तो माइनस बना देगा, और इन दोनों का जोड़ विषम आ रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, ऐसे करिए 6 × 4 = 10 - 10। फिर अब C22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो अब ये बच जाएंगे, जो बचेगा उसका मुख्य विकर्ण में इसका गुणा करके सेकेंडरी विकर्ण गुणा कर घटाते हैं, 2 × 9 = 2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, तो बीच में माइनस होता भी है तो प्लस, चाहे ऐसे करके ऐसे लिख दिया जाए एक बार। और यहाँ 2, 2, 4 सम हो जाएगा, इसे पॉजिटिव रहेगा,
होगा टू, माइनस माइनस प्लस हुआ बराबर हो जाएगा थ्री, सी टू टू हो गया। अब सी टू थ्री में चल दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो है तीसरा कॉलम ये है, सी टू थ्री हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, टू बाई टू की मैट्रिक्स बचेगी, फिर छः विकर्ण के गुणा कर देंगे, छः का नम छः छः हो जाएगा और दो का नम दो माइनस, और यहाँ दोनों का जोड़ विषम है इसलिए माइनस आ भी जाएगा, ऐसे रहकर छः में से दो गए चार हो गए, अब माइनस लग जाएगा सी टू थ्री हो गया। अब सी थ्री तीसरे रो में आ जाइए, सी थ्री वन, सी माने कोफैक्टर निकल रहा, कोफैक्टर सी थ्री तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम हटा करके बाकी में जो बचेगा उसे मुख्य विकर्ण से सेकंड विकर्ण गुणा कर घटा देंगे तो पाँच दूनी दस हो जाएगा ये ऐसे, और चार फोर वन जा फोर माइनस फोर, लेकिन बीच में माइनस होता है तो प्लस फोर हो जाएगा, और दोनों का जोड़ सम आ रहा है इसलिए प्लस ही रहेगा गुणांक में, तो दस चार चौदह हो जाएगा। फिर बस सी थ्री वन होगा, अब सी थ्री टू दूसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम ये कैंसिल, फिर बचेगा पाँच कन्नम पाँच होगा हैं, और तीन कन्नम तीन माइनस तीन, लेकिन बीच में माइनस रहता भी है तो प्लस को तीन हो जाएगा, और दोनों का जोड़ विषम आ रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो पाँच तीन आठ माइनस आठ हो जाएगा। फिर सी थ्री थ्री तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम ये कैंसिल, चार फोर वन जा फोर और तीन दूनी छः ये हो जाएगा, और दोनों का जोड़ सम आ रहा है इसलिए पॉजिटिव रहेगा तो कुल मिला के माइनस टू। इस प्रकार से कितने कोफैक्टर बने, नौ, जितने टाइप की रहेगी थ्री इंटू थ्री नौ, नौ एलिमेंट है तो नौ ही कोफैक्टर बने। अब इन नौ कोफैक्टर से प्राप्त मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स मतलब कि सी चाह लेते हैं उसको अच्छे से, मैट्रिक्स जहाँ जिस क्रम का होता है वहीं पर उसको रख दिया जाए मैट्रिक्स में आयताकार आकृति बना करके, सी वन वन का स्थान यहाँ होता है, फिर सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी ऐसे होता है, एक बार को मैं लिखे देता हूँ, सी वन वन सी वन टू का स्थान होता है, सी वन थ्री हो का स्थान, सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री ये हो गया प्यारे बच्चों। अब इसी में एलिमेंट को रख दिया जाए तो सी वन वन में कितना मिला है माइनस ट्वेंटी टू माइनस बाईस ये हो गया, सी वन टू में माइनस वन, सी वन थ्री में फोर्टीन फोर्टीन, सी टू वन में माइनस टेन, सी टू टू में थ्री, सी टू थ्री में माइनस फोर, सी थ्री वन फोर्टीन, सी थ्री टू माइनस एट और सी थ्री थ्री माइनस टू। इस पर गैस पर बच्चों थ्री बाई थ्री की कोफैक्टर से प्राप्त मैट्रिक्स बनती है, इसी का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो एडजॉइंट हो जाता है। ठीक, ट्रांसपोज जानते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, कॉलम है जिसको रो में कर दें, रो वाले को कॉलम में कर दें प्रतीक के लिए, तो उसको उसका नाम एडजॉइंट सीधे जब सी डैश भी कह देंगे, सी डैश मतलब जो मैट्रिक्स है ये उसका डैश माने हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, सी डैश कह सकते हैं इसी को, टी लिख सकते हैं, टी माने ट्रांसपोज अक्षर होता है ना, अब यही हमारा एडजॉइंट होगा, ए डी जे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए, जो मैट्रिक्स हमने ए माना है उसको एडजॉइंट निकल आएगा। देखिए रो को कॉलम में करना है तो देखिए माइनस ट्वेंटी टू माइनस वन फोर्टीन माइनस टेन थ्री माइनस फोर और ये फोर्टीन है माइनस एट है और माइनस टू। इस प्रकार से एडजॉइंट मैट्रिक्स जिसको हिंदी में सहखंडज भी कहते हैं, सहखंडज आव्यूह, कोई मैट्रिक्स ए दिया रहेगा उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, सहखंडज निकालना है, तो बेटा ये भी क्रम वही रहेगा जो प्रश्न का रहेगा थ्री बाई थ्री का था तो आंसर भी थ्री बाई थ्री का रहेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों को फैक्टर के द्वारा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का तरीका बताया। अब बेटा इसी का एक मैं तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो इतना समय ना लगे आसानी से हो जाए वो भी ट्रिक जान लीजिए आप लोग। तो इसी के आगे मैं आप लोगों को थ्री बाई थ्री का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसके पहले वाले में दो बाई दो का भी शॉर्ट ट्रिक बताया था, अब मैं इसी का थ्री बाई थ्री का भी एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक देखिए, ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स कोई वही मैट्रिक्स ले लूँ इसलिए कि तुमको देखते ही मिल जाए कि हाँ वही वही आंसर आया है, तो वन टू माइनस वन, बाकी कोई भी ले सकते हो, वन टू माइनस वन
फिर है 3 4 5, 3 4 5, फिर है 1 6 2, 1 6 2, ये 3 बाई 3 का है। इसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बताने जा रहे हैं सार्टिक तरीके से, सूक्ष्म मैट्रिक्स का। करना क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सेंटर जो बीच के एलिमेंट होता है वहाँ से स्टार्टिंग किया जाता है, अंत में वहीं तक आना भी पड़ता है, इसको समझिए जरा। तो बीच से शुरू करने में ये है ना 4, बीच में 4 लिखा हुआ है, यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसको रो में लिखेंगे, मैंने क्षैतिज में लिखेंगे, वर्टिकल में नहीं, रो में लिखेंगे, पंक्ति में, पंक्तिबद्ध लिखेंगे। चलिए शुरू करता हूँ, 4, फिर उसके आगे देखिए क्या है 6, फिर उसी के ऊपर क्या है 2, और फिर वहीं तक जाना जहाँ से आप शुरुआत किए थे, वहीं तक लौट के आ भी जाना है। ध्यान दीजिए इतना काम करना है, सेंटर से लिया 4 6 2 4, फिर उसके आगे बढ़िए 5, फिर आगे उसके 2, फिर आगे है -1, फिर वहीं तक जाना 5, फिर इसका हुआ इसका, फिर शुरू में आइए, वहीं तक रुक जाना भी है, देखिए 3, फिर उसके आगे 1, फिर उसके ऊपर वाले में क्या 1, और फिर बीच में आएंगे, मैंने जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं तक जाना है, वहीं तक 3 शुरू किए थे 3, फिर उसके आगे 1, फिर उसके ऊपर वाला 1, फिर उसके बीच में 3, अब फिर कहाँ तक जाना है जहाँ शुरुआत किए थे 4 से 4 तक, 4, फिर उसके आगे 6, फिर 2, फिर 4, इस प्रकार लिख लीजिए। बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान दें। तो इसमें बीच वाले एलिमेंट्स शुरुआत करते हैं और क्षैतिज जिसको हम रो कहते हैं उसमें लिखा जाता है, भरा जाता है एलिमेंटों को बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 4 है फिर 6 है, इसके आगे नहीं है तो उसके ऊपर वाला चला जाए 2 हो जाएगा, फिर बीच में वहीं तक पहुंचना है जहां शुरुआत किए थे 4 लिख दिया, फिर आगे वाले बढ़ें वही सेंटर बीच से कि 5, फिर उसके आगे 2, फिर उसके आगे -1, फिर 5 तक जाना है, फिर इसके बाद आगे तो है नहीं है, फिर शुरुआत में आ जाइए, ये 3 बीच से शुरू करेंगे 3, फिर उसके आगे 1, फिर उसके ऊपर देखेंगे 1, फिर उसके बीच में 3 जहाँ तक आया, जहाँ शुरुआत हुआ वहीं, फिर उसके ऊपर उसके आगे देखेंगे, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुआ था, यहीं तक रुकना, यहीं तक आना पड़ेगा, फिर 4, फिर 6, फिर आगे 2, फिर 4 में रुक जाना है। इस प्रकार से 4 बाई 4 के बने, 1 2 3 4, 4 रो हैं, 1 2 3 4, अभी देखिए आगे क्या होता है। फिर करते हैं मुख्य विकर्ण ये और फिर सेकेंडरी विकर्ण ये, तो मुख्य विकर्ण को सेकेंडरी विकर्ण से गुणा करके घटा कर रखना है, इसको ध्यान दें। ये देखिए 4 दूनी 8, ध्यान दीजिए 4 दूनी 8, और 8 में 6 5 30 घटा कर रखेंगे, एक बार मैं लिखते चल रहा हूँ, चलो गिनती भी जिससे तुम्हें या कट, 4 दूनी 8 -30 6 5 30, ये फिर इसमें ऐसे सब करते चले आइए, ऐसे ही 6 कन्नम 6 -6, अब 2 दूनी 4 -4, फिर आइए यहाँ ऐसे ही ऐसे गुणा, फिर 2 पंचे 10, अब 4 -4, अभी जो माइनस होता है तो +4 हो जाएगा, फिर यहाँ करिए ये गुणा, ऐसे करते सब करते ही जाना इस प्रकार ऐसे ही, तो 5 कन्नम 5, अब -3 दूनी 6, मुख्य विकर्ण में सेकेंडरी विकर्ण को गुणा कर घटा देना है, 5 कन्नम 5 3 दूनी 6 हो गया, फिर यहाँ ऐसे ये, फिर ये गुणा, तो 2 कन्नम 2, आइए 1 है ये ऋण 1 है तो -1 हो जाएगा, अभी जो माइनस होता भी है तो +1 हो जाएगा, फिर आगे बढ़िए इसी ऐसे गुणा, तो 3 का ऋण से -3, अब 5 कन्नम 5 तो -5 हो जाएगा, फिर ये गुणा ऐसे कर लीजिए इस प्रकार से ऐसे, तो 6 त्रिक 18 और 4 एकन्नम 4, ये -4, फिर ये गुणा ऐसे करिए इस प्रकार से, 2 एकन्नम 2, 6 एकन्नम 6, ये हो गया, फिर ये ऐसे गुणा कर लीजिए ऐसे, 4 एकन्नम 4 और 3 दूनी 6, ये कंप्लीट हो गया। अब उसी के आगे इसको घटा कर लिख दीजिए, घटाएँ कितना होगा, -22 -10, 6 4 10 हो गया, और ये हो जाएगा 10 4 14, ये हो गया, फिर 6 में से 5 गया -1 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, फिर ये -8 हो जाएगा, फिर 18 में से 4 घट जाएगा तो ये 22 हो जाएगा, फिर यहाँ -4 हो जाएगा, फिर 6 में से 3 -2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए जो यहाँ आया था ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इसमें क्या हुआ, क्या क्या देखिए फर्क है, -1 3 -1 3 -8 और 14 -4 और -2, यहाँ पर 14 जो है
अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान दे, मतलब 14 होगा ना बेटा, 22 कर दे, वही प्लस हो गया था, ठीक है, 18 में 4 घटाना था, 14 चाहिए। ये भी वही क्रम देखिए आ गया जो प्रश्न था हमारा 3x3 का था, और यहाँ भी 3x3 का। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से 3x3 ऑर्डर की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का एक सुपर शॉर्ट ट्रिक है ये, और इससे भी आप लगा सकते हैं, कंपटीशन बहुत काम करेगा, है ना। और यहाँ तो मान ली बोर्ड में आता है तो आपको फैक्टर मेथड से लगाएं, और वैसे कंपटीशन में इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करें, है ना। ज़्यादातर 2x2 का आता है, लेकिन 3x3 का भी पूछा जाता है। अभी आपको 3x3 क्रम के आप जाने रहेंगे तो आप जो आप व्यूह विशेष समीकरण को हल करना होगा 3x3 ऑर्डर का, है ना, जिसमें 3 समीकरण दिए रहेंगे, वो आसानी पूर्वक कर लेंगे, ध्यान दें, ठीक है। इसको क्या मैं एक बार फिर बता दूँ, समझ गए हो, है ना। देखो इसको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, है ना, 20 से चलना होता है, ठीक, जो भी मैट्रिक्स 20 से, अब राइट, और राइट माने 20 चलेंगे और हम उसको हॉरिजॉन्टल में लिखेंगे, है ना, 4 6 2 फिर 4 इसे ये हुआ, फिर उसके आगे बढ़ेंगे 5 2 -1 5 ऐसे बढ़ चले जाएंगे, फिर शुरू में आ जाएंगे 3 1 1 फिर 3, फिर जितने जहाँ चले तो वहीं रुक जाना है, बात 4 से शुरू किया, 4 तक पहला वाला ये रो है, अब लास्ट वाला रो मिलना भी चाहिए, मिलेगा ही 4 6 2 और 4 इस प्रकार से, अब फिर तिरछा गुणा कर दीजिए, ऐसे गुणा कर घटाते जाइए बीच में करके हल कर लिए, तो वही आंसर आया जो विगत में अभी बताया, जो उसी में आया ट्रिक से द्वारा आया इस प्रकार से। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया, और इसको ध्यान से समझिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर तुम लोगों को इससे अच्छी अच्छी क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। थैंक यू।